नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जोधपुर दिल्ली रेल मार्ग के डेगाना डीडवाना रतनगढ़ खंड पर 4 घंटे तक ट्रेन यातायात बंद रहा। इस दौरान इस रेल मार्ग पर संचालित अनेक ट्रेनों व मालगाड़ियों को खंड के अलग अलग स्टेशनों पर रोका गया, जिससे सैकड़ों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि डीडवाना रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से द्वितीय प्लेटफॉर्म को शुरू करने की कवायद की जा रही है। इसके लिए द्वितीय प्लेटफॉर्म के पास बंद पड़ी तीसरी लाइन को मुख्य लाइन और सिग्नल प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए सुबह 11 बजे से रेलवे की ओर से 4 घंटे का ब्लॉक किया गया। ब्लॉक के दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में लाइन को जोड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। दोपहर तक लाइन जोड़ दी गई। इस कार्य के कारण रेलवे स्टेशन पर स्थित फाटक को भी 2 दिन तक बंद रखा गया और यातायात को अन्य मार्गों से डायवर्ट किया गया। अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की प्रेस वार्ता बुलाई गई। यहां कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने संबोधित करते हुए कहा कि सीएम के हस्तक्षेप से कॉरपोरेशन को 180 करोड़ रुपए का फायदा होगा। साथ ही कहा कि एयर पॉल्यूशन ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा, एमटीएस और बीआरटीएस को सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही विपक्ष के नेता दिनेश शर्मा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। અને સાથોસાથ અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ ને રાજ્ય સરકાર તરફથી નાણાકીય મદદ મળવાની હોવાથી આપણા ઓપરેશન્સ જે છે એ ફાઇનાન્શિયલી લાંબા ગાળા ઉપર વાયેબલ બનશે। નગરજનોને હું આ સારા સમાચાર શેર કરીને ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવું છું, કેમ કે ઇલેક્ટ્રિક બસમાં ઘણા બધા ફાયદા થવાના છે। આવનાર સમયમાં મોટામાં મોટું પડકાર આપણા માટે છે એર પોલ્યુશનનું અને ટ્રાફિક કન્ડિશન। ઇલેક્ટ્રિક બસ ચાલવાથી એર પોલ્યુશન ઝીરો થવાનો છે, નોઇસ પોલ્યુશનમાં બહુ જ ઘટાડો થવાનો છે અને આવી સારી ગુણવત્તા સાથેની બસો જે સંપૂર્ણપણે એર કન્ડિશન્ડ હોય, જેમાં એર સસ્પેન્શન હોય અને જેમાં તમામ પ્રકારનું ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન હોય, એવા પ્રકારની જે વ્યવસ્થાઓ છે એની રાઇડ ક્વોલિટી સારી થતી હોવાથી ધીમે ધીમે લોકો પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ તરફ વળશે, આવકમાં ઘટાડો થાય છે અને નુકસાનમાં વધારો થાય છે। તેના ઉપરથી જ એવું લાગી રહ્યું છે કે ક્યાંકના ક્યાંક વહીવટમાં ખામી છે। આ વહીવટમાં ખામી ભારતીય જનતા પાર્ટીની નિષ્ફળતા સાબિત કરે છે। આજે રાજ્ય સરકારના કેટલાક એક્ટો બન્યા છે, તેમાં એક એક્ટ છે કે માઇક્રો સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ ડેવલપમેન્ટ એક્ટ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં નાના નાના ઉદ્યોગો જે રજિસ્ટ્રેશન થયેલા છે, જે સંસ્થાઓ રજિસ્ટ્રેશન થઈ હતી એમને 45 દિવસમાં પેમેન્ટ કરી દેવું, જો આ પેમેન્ટ ના કરે તેના વ્યાજ સાથે પેમેન્ટ કરવું। राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के बैनर तले प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में सरकार के सामने कई मुद्दों को रखा गया और बढ़ते जल संकट को लेकर चिंता जताई गई। साथ ही सरकार को मामले में हस्तक्षेप करने की बात की गई। कल परसों राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय संचालन समिति की 2 दिवसीय बैठक है, 14 और 15 तारीख को। उसमें मोटे तौर पर जो विषय डिस्कशन में आएंगे उसमें एक तो रहेगा कश्मीर, हमारा कश्मीरी भी हमारे, तो सिविल सोसाइटी के नाते से हम क्या क्या उसमें भूमिका निभाएं। और दूसरा विषय आएगा पेयजल के बारे में, जो पेयजल का व्यवसायीकरण हो रहा है उसकी खिलाफत करते हुए उसके लिए आंदोलन की गतिविधियाँ क्या रहें, कैसे चलें, इसका विचार किया जाएगा। बेगूसराय में सिंघोन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए डुमरी चौक के पास विदेशी शराब से भरा कंटेनर जब्त किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने विदेशी शराब के 398 कार्टून बरामद किए हैं, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस से जब्त किए गए कंटेनर में से कागजातों के अनुसार धंधेबाजों की शिनाख्त करने में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही धंधेबाजों की शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हमारी उनके उसमें सूचना मिला जो फलाने जगह दारू का क्रय विक्रय हो रहा है, जो वहाँ गए तो बरामद करके लौट रहे थे, तो एक ट्रक हाथ मिला जिसमें शक के आधार पर जब चेक किए तो देखा गया कि इसमें इस तरह का जो दारू रखा हुआ है, जो मेरे सिंघौल उप क्षेत्र का था, मुझे सूचना मिली तो हम लोग वहाँ से ट्रक फसल थाना से ला के यहाँ लाए, इसमें 4 आइटम का दारू मिला, इंटीरियर बोलो 180 मिलता। खबर बेगूसराय से है, जहां जमीन विवाद के चलते व्यक्ति ने अपने ही भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना फुलवरिया गांव की है। बताया जा रहा है कि मृतक अमित कुमार अपने घर के बाहर परिवार के लोगों के साथ बैठा था, तभी अचानक उसके चाचा ने आकर उसे गोली मार दी, जिसके चलते घटना से नाराज लोगों ने फुलवरिया तेघड़ा रोड को कुछ देर के लिए जाम कर दिया।
बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परिजनों के बयान के आधार पर अनिल सिंह और उसके पुत्र कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय में राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के तहत जिला स्तरीय पोषण मेले का आयोजन गांधी स्टेडियम में किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने दीप जलाकर किया। स्टेडियम में आयोजन मेले में लोगों को पोषण के संबंध में जागरूकता के लिए जानकारी दी गई। वहीं मेले के दौरान डीएम ने महिलाओं और बच्चों को फल की टोकरी देकर इस अभियान की शुरुआत की। सितंबर माह में पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है और इस ये एक प्रकार का जागरूकता अभियान है, जिसमें सभी लोगों को जागरूक किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को कि अपने बच्चों को, महिलाओं को, एडोलेसेंट को किस तरीके से स्वस्थ रहना है, किस तरीके से बीमारियों से दूर रहना है, स्वच्छता बनाए रखनी है। इसके लिए पोषण माह में सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसी क्रम में आज 13 तारीख को ये पोषण मेला का आयोजन किया गया है। यूपी के मुरादाबाद में गणपति विसर्जन के दौरान 4 युवक गहरे पानी में डूब गए। हालांकि लोगों की मदद से 3 युवकों को बचा लिया गया, लेकिन एक युवक की डूबकर मौत हो गई, जिसको लेकर लोगों ने पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया। दरअसल लोगों का कहना है कि उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने ना खुद मदद की और ना ही उनको मदद करने दी। यहाँ तक कि पुलिस ने उनके ऊपर बल प्रयोग किया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर जाम कर दिया। फिलहाल एसपी ट्रैफिक सतीश चंद व नगर मजिस्ट्रेट नरेंद्र बहादुर सिंह ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खाली कराया। बिहार के पटना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार पर प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस परिवहन और खनन विभाग के द्वारा किए गए इस ज्वाइंट ऑपरेशन को सूबे का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई में 91 ट्रक, 30 ट्रैक्टर, 10 टीपर और 6 JCB को जब्त किया गया है, जिसके चलते सूबे में पहली बार अवैध बालू कारोबारियों में लगी 134 गाड़ियों को जब्त किया गया है। वहीं इस मामले पर मोकामा CEO राम प्रवेश राम ने बताया कि 3 भूस्वामियों पर दर्जन भर से अधिक अवैध कारोबार को चिन्हित किया गया है, जिन पर प्राथमिक कार्रवाई की जाएगी। इस एरिया में करीब 5-6 साइट्स पे पुलिस के द्वारा रेड हुई है और वहाँ पर सर्कल ऑफिसर मोकामा भी साथ में थे। यहाँ पर 100 से ऊपर ट्रैक्टर्स जो हैं, जिसमें बालू ढोने का काम हो रहा था, डंपिंग हो रही थी, यहाँ पे अवैध रूप से बालू मंडी का कारोबार चल रहा है धड़ल्ले से, और इसी को रोकने के लिए हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। खबर बिहार के पटना से है, जहां सिटी बाईपास थाना NH 30 के पेजावा क्षेत्र में ट्रक और ट्रैक्टर में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दौरान एक मजदूर की घटनास्थल पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पूरी तरह से यातायात का आवागमन बाधित हो गया, जिसके बाद पुलिस ने सूचना मिलने पर दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर मजदूर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं दोनों ट्रक और ट्रैक्टर गाड़ी को जब्त कर क्रेन की मदद से थाने ले जाकर मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूपी के हाथरस में थाना जंक्शन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। यहां पुलिस ने 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है, साथ ही 3,000 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद की। इसके साथ ही गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नवतेज TV।